इंडिया में जितने तरह के खाने हैं ना, उससे ज़्यादा आप ये समझो टेस्ट हैं लोगों के। किसी को कोई चीज़ कैसी अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ कैसी अच्छी लगती है, लेकिन मैं उनमें से हूँ। सारे खाने अच्छे लगते हैं, हर टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। तो मोमोज़ का मैंने बेसिक क्लियर करा पहली वीडियो में। अब उसकी तीन फॉर्म हम अप करेंगे। कौन कौन से करेंगे? हाफ फ्राई, फुल फ्राई, स्टर फ्राई। तो करते हैं उसको। लास्ट वीडियो में मैंने क्या दिखाया था, मैंने पतीले में पानी भरा था, ऊपर ही छलनी जो सब घरों में रहती है ऐसे रख के मैंने ढक के मोमोज बनाए थे, ठीक है। तो अगर स्टीमर नहीं है तो काम ऐसे भी हो रहा था। एक तरीका और है, वो ये है कि ये है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला पानी और नीचे रखा स्टैंड। पानी थोड़ा कम करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ऐसे रखो मैदा छलनी टाइप का कुछ रख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरी इसकी फिटिंग सेट नहीं बैठेगी। मैं ऐसे रखूँगी इसको स्टैंड को, और साथ में ये छलनी, ये ढक्कन है जाली वाला, किसी भी पतीले को, दूध वाले पतीले को ढकने के लिए मार्केट में आराम से मिलते हैं, सब घरों में रहते भी हैं। एक दिन मैंने तंदूरी काम करने के लिए इसको गैस पर रख दिया था, ये सारा ऐसे ख़राब हो गया। तो ठीक है, ऐसी चीज़ है, तंदूरी काम तो बिल्कुल मत करना, इसका मतलब ये है। लेकिन स्टीमिंग हम इसे आराम से कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर रखा और इस पर पत्ते पुत्ते लगा लिए कैबेज के, खुशबू भी अच्छी आ जाएगी उससे। हमारा स्टीमर नहीं है तो क्या हुआ, कैबेज की खुशबू भी आएगी। अब हम इस पर मोमोज लगा के स्टीम करते हैं। तो आज मैं इस प्रोसीजर से स्टीम करूँगी, एक प्रोसीजर और बताती हूँ इसके बाद। पहले मैं ये स्टीम होना रखती हूँ, उसके बाद ये पत्ते लगाने से खुशबू भी अच्छी आएगी। इस पर चिपक जाता है ना जैसे कोई, तो वो चिपकेगा नहीं, सब सही रहेगा। तो ये करके फिर दूसरा प्रोसीजर बताती हूँ। तो कढ़ाई के नीचे गैस जला रही हूँ, पानी मैंने डाल दिया है, स्टैंड मैंने रख दिया है, उसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ। हो गई फिटिंग सही। अब इसके ऊपर पत्ते लगा लेती हूँ और ढक्कन, ढक्कन ऐसे रखा जाएगा। जो भी फिटिंग आपके घर में बर्तन की सही आ जाए वैसे रख लो। तो ऐसे मैंने स्टीमिंग के लिए लगा दिया था। अब मैं इसका ढक्कन हटा के इसके ऊपर मोमोज रखती हूँ। आटे के हेल्दी मोमोज घर में क्या है क्या नहीं सब तरीके से काम आना चाहिए, और वो आ गया। तो हमारे बनने वाले आटे के हेल्दी मोमोज, हर स्टाइल से काम करना आ गया हमें घर में, चाहे हमारे घर में स्टीमर है नहीं है, चाहे मैदा है चाहे नहीं है, सब हो गया। तो अब इसको मैं कवर कर रही हूँ, 10-15 मिनट कवर्ड रहेगा अभी तेज़ गैस पे, फिर ये तैयार हो जाएगा। इसको 13-14 मिनट हो चुके हैं, गैस बंद कर रही हूँ, खोलती हूँ इसको। तो मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने स्टीम करके दिखाए थे मोमोज, और अब फिर से कर दिए नए स्टाइल से मैंने स्टीम करे हैं। लेकिन स्टीम्ड भी कुछ और काम कर सकते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं? इनको हम डीप फ्राई करके फ्राइड मोमोज बनाते हैं, इनको मैरिनेट करके तंदूरी मोमोज बनाते हैं, और इसी को अगर एक सॉस में जो इसको लपेट ले उस तरीके से सर्व करना चाहो तो सॉसी मोमोज भी बन सकते हैं। और अब मैं दूसरी चीज़ जो बनाने वाली हूँ उसमें क्या करना है मुझे, स्टीम तो करना है लेकिन एक अलग प्रोसीजर से, जिसमें वो पैन में फ्राई भी होंगे और स्टीम भी होंगे। एक वो प्रोसीजर दिखाती हूँ मैं। पैन रखा मैंने गैस पे, ऑयल लिया 1.5 टेबल स्पून ऑयल का, गैस जलाया, ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्राई करना, और वो भी हाफ फ्राई पे करना पैन में, स्टीम्ड प्रोसीजर से भी और कुक्ड प्रोसीजर से भी। अब मैंने जैसे नीचे ऑयल है ना, ये इसमें लगा दिए, ये क्या होंगे नीचे से ऑयल में कुक होंगे, नीचे से जो क्रिस्पी हो जाएंगे उसका टेस्ट आ जाएगा। फिर पानी डाल के जब मैं ढक दूंगी तो स्टीम में कुक हो जाएंगे ऊपर से भी। तो ये दोनों प्रोसीजर एक साथ चलेंगे,
फ्राई वाला भी चलेगा इसी के अंदर और स्टीम वाला भी चलेगा इसी के अंदर, इसका भी एक अलग टेस्ट होता है। तो इस प्रोसीजर से भी कर लेते हैं काम को। आटे के मोमोज से सारे काम हो सकते हैं, ये नहीं कि खाली मैदे से ही होते हैं सब चीज। तो ये आपके स्टीम वाले जो है ना, उससे ज्यादा टेस्टी हेल्दी लगने वाले हैं अब आपको। फ्राई तो खैर समोसा सबको ही पसंद आता है ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये सारे नीचे से कुक्ड हो चुके हैं ना, इसमें आधा पौना कप पानी का डाल देते हैं कम से कम, जिससे कि गैस तेज कर रही हूँ। डाल रही इस प्रोसीजर से क्या होगा, आधा पौना कप जो मैंने पानी डाल दिया उसे होगा क्या कि पानी उबलेगा, स्टीम आएगी, तो स्टीम कुकिंग भी हो रही है अब इसके अंदर ही। गलेगा उबलेगा नहीं पानी में ये, क्योंकि इसमें काफ़ी हीट है तो उसमें ही कुक हो रहा है इसी पानी में। 10-12 जब मिनट के हम वहाँ स्टीम देते थे, यहाँ पर पानी डायरेक्ट है लेकिन स्टीम बन रही है उसके साथ साथ, तो ये कुकिंग इसके ऊपर से ऐसे भी हो रही है। लास्ट में एक बार और जब पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम एक बार और उसको उसमें ऑयल में थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। बस तैयार हो गया, पानी सूखने की आवाज़ आ रही है, इसको पलट के देख लेते हैं। लग रहा है कि जैसे ओवर कुक हो गया, ऐसी आवाज़ आ रही है मुझे। तो ये थोड़े ज़्यादा लाल लग रहे हैं, पलटते हैं ठीक से। हाँ देखो ज़्यादा लाल हो रहे हैं ना थोड़े से, खाने में तो ये बहुत स्वाद होंगे लेकिन दिखने में थोड़े से ज़्यादा लाल लग रहे हैं। अब ये स्टीम्ड और फ्राइड दोनों चीज़ हो गई इसके अंदर कवर, स्टीमिंग भी हो गई 10-12 मिनट की और नीचे से फ्राई भी हो चुकी है, तो खाने में तो बहुत बेहतरीन स्वाद होगा। पैन फ्राई मोमोज जब हमने बनाए तो मोमोज की शेप बनाई और काम किया, स्टीमिंग भी उसी में थी, फ्राई भी उसी में था। लेकिन फुल फ्राई में पहले स्टीम फुल करना है फिर फ्राई भी फुल करना है। तो जो अभी भी मैंने स्टीम कर रहे थे, अब उनकी फ्राई का टाइम आ गया, गैस जला रही हूँ, तेल रखा हुआ कढ़ाई में। तो स्टीम मोमोज को अब मैं फ्राई करती हूँ, मीडियम उसमें हीट चाहिए होगी, बहुत तेज़ भी नहीं और लो भी नहीं, क्योंकि हमें तेल भी नहीं भरना और जलाना भी नहीं है, तो मीडियम। ऑयल गरम लग रहा है, गैस नॉर्मल कर दिया मैंने और ये डाल दिया। तो ये हमारा हो गया फ्राइड पैटर्न, जिसमें हम पहले स्टीम भी करा और हम फ्राई कर रहे हैं। बस ये हो गए फ्राई, निकाल रही हूँ, गैस कर दिया बंद। क्या फ़र्क दिख रहा है मैदे के मोमोज में और आटे के मोमोज में, क्रिस्पी उससे ज़्यादा लग रहे हैं, कलर थोड़ा सा साफ अच्छा नहीं लग रहा, बाकी तो सब उससे बेटर है, टेस्ट में बेटर, हेल्थ में बेटर, बस कलर थोड़ा सा इसका वैसा नहीं है क्योंकि हमें देखने की आदत नहीं है ये, अदरवाइज हर लिहाज में उससे अच्छा है। अब हम बनाने वाले हैं स्टर फ्राई। तो स्टर फ्राई के लिए मैंने पैन रखा, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला, गैस जला दिया। 5 मैंने स्टीम्ड मोमोज लिए हैं, 1/2 कप के करीब मैंने जो प्री तैयार हमारी सॉस थी गार्लिक वाली वो ली है, 1/2 कप के करीब मैंने टोमेटो सॉस लिए पानी के साथ मिला के, 1/2 कप धनिया और 1/2 कप मैंने बारीक कटी प्याज ली है। तो हम बनाने वाले हैं स्टर फ्राई मोमोज स्टीम्ड मोमोज के साथ। तो ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, गैस तेज कर दिया। मेरे प्याज से खुशबू आने लगी है, ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, थोड़े से नरम भी दिख रहे हैं। तो अब इसमें मैं सॉसेज मिलाती हूँ, देखते हो जो मैंने बनाई है गार्लिक टोमेटो वाली सॉस तीखी वाली वो है इसमें, 1/2 कप के करीब ये ले लिया, 3 टेबल स्पून के करीब टोमेटो सॉस है और साथ में 1/2 कप पानी है, गैस तेज कर दिया। और इसमें मैंने डाला 1 टीस्पून देगी मिर्च इसके अच्छे कलर के लिए, हमारे पास टोमेटो इतना अच्छा कलरफुल नहीं था तो रंग इसमें कम था। इसमें पूरा बॉयल आ चुका है, तैयार मोमोज इसमें डाल देते हैं। अब इन मोमोज को जो सॉस की कोटिंग मिली है इससे अब ये ड्राई नहीं होंगे, खाने में ग्रेवी वाले लगेंगे,
पहले से भी बेटर टेस्ट आएगा, अलग से सॉस सर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनका टेस्ट जैसे आप समझते हो ना कि एक बाउल में मिल गया सब कुछ खाना, बिल्कुल वैसा। तो इसको उबाल आ चुका है, ये भी अंदर तेज गर्म हो चुके हैं, गैस बंद करके इन्हें सर्व करते हैं। मेरे पास हरा धनिया है तो हरा धनिया काट के ऊपर डाल देते हैं हम। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट हो तो उसे सर्व कर लो, हो गया। तो आप अपने टेस्ट से जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से बनाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए मोमोज। और मुझे भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी फॉर्म ज़्यादा पसंद है। तो एक वीडियो हमारी बाकी है, बनाते हैं उसको भी कभी।